अगर आप लिरिक्स वेबसाइट, स्टेटस वेबसाइट, मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट या फिर किसी भी टाइप की वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो और आपको मेन प्रॉब्लम जो आ रही है भाई वो है एडसेंस अप्रूवल की, एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको नॉनसेंसिकल कंटेंट, कॉपीड कंटेंट, इनवेलेबल इन्वेंटरी या फिर आपको टेम्पलेटेड पेजेस या फिर कोई और एरर आती है, तो इस वीडियो में मैं सारी की सारी एरर्स को आपको रिजॉल्व करूंगा और आपको उनका सोल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब बीस्ट। बहुत सारे लोग आप में से हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट में भाई दबा दबा के पूछ रहे हैं कि सर मुझे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, मैंने स्टेटस वेबसाइट क्रिएट कर ली, लिरिक्स वेबसाइट क्रिएट कर ली, एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है और ये जो आपको एडसेंस का रिजेक्शन मिलता है भाई, उसका मेन रीजन ये है कि सपोज आप लिरिक्स वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो और आपने कोई इंग्लिश में लिरिक्स डाला है तो भाई उसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए आपको नॉनसेंसिकल कंटेंट की एरर आती है। या फिर आपने डायरेक्टली अब लिरिक्स पेस्ट किया है कहीं से, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसकी वजह से आपको कॉपीड कंटेंट की एरर आ जाती है। बहुत सारे लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिल भी जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसी वेबसाइट को डायरेक्टली अप्रूवल करना है विदिन 24 आवर, तो इसका सबसे फास्ट एंड बेस्ट मेथड है वो ये है कि आपके पास ऑलरेडी एडसेंस का अप्रूवल है किसी साइट पर और वहां पे आप अपनी साइट को ऐड कर दो। एडिशन के लिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइट्स को ऐड कर सकते हो अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे और वहां से आप किसी भी टाइप की साइट को अपने ऐड करके उस पे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, जिनको अभी तक एक भी एडसेंस का अकाउंट नहीं मिला है या फिर उनके पास में डिसअप्रूव हो चुके हैं ड्यू टू सम रीजंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 2020 में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो सिंपल कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। एंड अगर आप इन स्टेप्स को बताए गए तरीके से फॉलो करोगे तो आपको 95% से ज्यादा का सक्सेस रेशियो मिलेगा और जो कि बहुत अच्छा है, आपको ज्यादा अप्रूवल मिलने के चांसेस रहेंगे। तो डायरेक्टली चलते अपने फर्स्ट स्टेप पे। तो यार बहुत सारे लोग हमें भाई बार बार कमेंट में बोलते हैं कि सर मैं .blogspot पे लेना चाहता हूं, मेरा बटन नहीं आ रहा, अप्रूवल का बटन नहीं आ रहा। तो भाई .blogspot पे अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा उसका मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आपको एक डोमेन बाय करना पड़ेगा, कोई टॉप लेवल डोमेन लाइक .com, .in, .net, .org या फिर किसी भी टाइप का डोमेन जो आपने बाय किया है GoDaddy से, नेमचीव से, कहीं से भी बाय करो, लेकिन एक टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए। अब जैसे ही आपके पास कोई डोमेन आएगा तो अब बात आती है भाई होस्टिंग किस पे करनी है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसको ब्लॉगर पे लेके जाना चाहते हो या वर्डप्रेस पे लेके जाना चाहते हो। ब्लॉगर पे फ्री है, वर्डप्रेस पे कहीं से होस्टिंग लेना पड़ेगा। आप अपनी डोमेन को सेटअप कर लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप ब्लॉगर पे जा रहे हो तो भाई नोटेबल थीम इज बेस्ट, अगर आप वर्डप्रेस पे जा रहे हो तो न्यूज मैग थीम इज बेस्ट। दोनों की दोनों थीम्स फ्री हैं, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब थीम का प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व, अब बात करते हैं हम कंटेंट डालने की। तो कंटेंट में हमारी दो चीजें आती हैं, जो पहली चीज है भाई वो है पॉलिसी पेजेस। पॉलिसी पेजेस आपको 3 क्रिएट करने चाहिए, जो मैं खुद पर्सनली भी क्रिएट करता हूं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये क्रिएट कैसे होंगे, तो वेबबीस्ट का टूल मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वीडियो भी उस पर आ चुकी है। आप वेबबीस्ट के टूल को यूज करके सिंपली अपने लिए पेजेस क्रिएट कर सकते हो। वेबबीस्ट का टूल 5-6 पेजेस क्रिएट करके देता है, लेकिन आपको जो मेन पेजेस डालने हैं भाई वो है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। इससे ज्यादा अगर आपके डालने का दिल है तो आप वो भी डाल सकते हो, बाकी मैं ये 3 ही रेकमेंड करूंगा, मिनिमम आपको ये 3 तो डालने ही हैं। अब पॉलिसी पेजेस डालने के बाद जो हमारी मेन चीज आती है भाई आती है वो कंटेंट। अब कंटेंट में आपको डालने हैं 20 आर्टिकल्स और हर एक आर्टिकल का लेंथ 1200 वर्ड से ज्यादा हो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, लेकिन बहुत कम बोलो कि सर मैं 800 डाल रहा हूं नहीं मिल रहा है तो भाई उसकी फिर मैं गारंटी नहीं लेता हूं। आपको 20 आर्टिकल्स डालने हैं, 1200 वर्ड से ज्यादा के एक आर्टिकल होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलेंगे सर मैं 5 आर्टिकल पे ले लेता हूं, 2 पे ले लेता हूं, 3 पे ले लेता हूं, तो भाई आप लोग लेते रहो, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको मिल जाती है, मुझे नहीं मिलता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से 20 आर्टिकल्स मिनिमम होने ही चाहिए, उसके बाद ही आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। और ये जो आर्टिकल्स हैं अब ये हमें डालने हैं सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के पर्सपेक्टिव से। अब एडसेंस अप्रूवल के लिए जो मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो कि टॉपिक्स जो ज्यादा फेवरेबल रहते हैं, जहां पे आपको एडसेंस के अप्रूवल के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो टॉपिक्स हैं गाइस कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो, जैसे गेम्स के होते हैं लाइक पबजी, फोर्टनाइट, अगर आप इन पे आर्टिकल्स लिखते हो तो आपको अच्छा खासा सक्सेस रेट मिलता है। अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस पे आर्टिकल्स लिखते हो तो उस पर भी आपको अच्छा खासा सक्सेस रेट मिलता है। और साथ ही आप किसी अपकमिंग फेस्टिवल्स पे भी लिख सकते हैं ये आर्टिकल्स, बट आर्टिकल का लेंथ भाई 1200 वर्ड से ज्यादा ही होना चाहिए। जितना ज्यादा रखोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो भाई जब आप ये 20 आर्टिकल और 3-4 पॉलिसी के पेजेस बना लोगे तो उसके बाद जो आपका मेन स्टेप आता है, जिसे बहुत सारे लोग भाई स्किप कर देते हैं और सीधे चल जाते हैं अप्लाई करने पे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा वो है भाई हमें अपनी साइट को ऐड करना है गूगल वेबमास्टर के टूल पे। ऐड करने के साथ साथ हमें अपने पेजेस को, जितने भी हमने लिंक्स क्रिएट किए हैं, चाहे वो हमारे आर्टिकल्स हो, चाहे हमारे वो पॉलिसी के पेजेस हो या फिर हमारा
आपका होम पेज या इंडेक्स पेज हो, हमें सभी को मैन्युअली इंडेक्स करना है गूगल वेबमास्टर टूल में, ताकि आपकी साइट गूगल पे इंडेक्स हो जाए विद इन 5 मिनट्स। और जैसी आपकी साइट गूगल पे इंडेक्स हो जाती है, उसके बाद अपनी एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अब बात आती है मेरी प्रो टिप की, जो मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है। तो प्रो टिप ये है कि अगर आपकी साइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा होता है, आपकी साइट के जो स्टार्ट में है HTTPS होता है, तो आपकी साइट को बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एडसेंस अप्रूवल मिलने के, बजाय आपकी साइट पे SSL सर्टिफिकेट ना हो। तो इसके लिए मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी साइट को ब्लॉगर पर होस्ट करें, क्योंकि ब्लॉगर पे आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप GoDaddy या फिर किसी और होस्टिंग सर्विस के साथ जाते हैं, तो आपको 500-600 हजार रुपए खर्चने पड़ेंगे एक्स्ट्रा SSL सर्टिफिकेट के लिए, और वो SSL सर्टिफिकेट शायद आपको कोई बाद में बेनिफिट ना दे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी साइट को ब्लॉगर पे होस्ट कर लो, ताकि आपको एक फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाए। और एडिशनल एक और प्रोटिप मैं आपको देना चाहता हूं कि आप अपनी साइट पे ज्यादा से ज्यादा लेबल्स को, कैटेगरीज को क्रिएट कीजिए, ताकि आपकी साइट पे ज्यादा कैटेगराइजेशन हो जाए, अलग अलग कैटेगरीज में आपके आर्टिकल्स बाइफरगेट हो जाएं, एंड उन कैटेगरीज को या फिर लेबल्स को आप अपनी साइट के हेडर पे भी डालें। एक और चीज मैं बोलूंगा कि जो आपके पॉलिसी पेजेस हैं, उनके लिंक्स भी आप हेडर में और फुटर में जरूर दें, क्योंकि उन पेजेस के ना होने की वजह से ही आपको बहुत बार साइट अंडर कंस्ट्रक्शन की एरर भी आती है। इन सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो, तो उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप आता है भाई कि हमें एडसेंस पे एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब बहुत सारे लोग जो ब्लॉगर पे अकाउंट बनाते हैं, उनको एक प्रॉब्लम यही रहती है, भाई मेरा बटन नहीं आ रहा। आपको उस बटन से क्लिक करके नहीं जाना है एडसेंस के, आपको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करना है एडसेंस साइन अप, वहां से जो पहला लिंक मिलेगा वहां पे जाके आप अपना साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको अपनी साइट का लिंक वहां पे डालना है, एंड उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, कोड को आपको अपनी साइट के हेडर में डालना है। हेडर में डालने के बाद आपकी साइट वहां पे ऐड हो जाएगी एंड आपकी साइट रिव्यू के अंदर चले जाएगी। एडसेंस से रिप्लाई आने में आपको 1 वीक से लेके 4 वीक्स तक लग सकते हैं। मेरे पर्सनल केस में मुझे कई बार 21 दिन भी लग गए हैं, 21-22 दिन लग जाते हैं रिप्लाई आने में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने अगर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप मुझे मेल कर रहे हो, कमेंट में लिख रहे हो कि सर मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरा 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो भाई टाइम लगता है, आपको एक ना एक दिन रिप्लाई जरूर आएगा एंड आपको पता चल जाएगा आपको अप्रूवल मिला या नहीं मिला। अगर आप इन सभी स्टेप्स को इसी ऑर्डर में फॉलो करते हो, किसी भी स्टेप पे चीट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इसी मेथड से अपने एडसेंस अप्रूवल्स लेता हूं। और इन सभी स्टेप्स को जब मैं खुद फॉलो करता हूं, तो मुझे 95% अश्योरिटी के साथ एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है जब आपकी किस्मत या दिन खराब चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिलेगा ही मिलेगा, आप में से बहुत सारे लोगों को एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, बट कुछ होंगे मेरे जैसे जिनकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। जब मुझे एडसेंस की रिजेक्शन हो जाती है इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं अपनी साइट को दोबारा से रीअप्लाई कर देता हूं बिना किसी भी चेंज को किए, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने कंटेंट को जेन्युइन डाला है, मुझे कोई यूनिक आर्टिकल्स लिखने की जरूरत नहीं है। गूगल की साइट से ही कोई गलती हो गई है बंदे से, उसने जो मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं उसे दोबारा से रीअप्लाई करता हूं एंड मुझे नेक्स्ट रीअप्लाई पे 100% एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। हो सका तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा कि पहली बार मेरे को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला एंड नेक्स्ट टाइम जाके सेम कंटेंट सेम डोमेन पे मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। लेकिन आप अपने आप को और ज्यादा श्योर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको डेफिनेटली नेक्स्ट रीअप्लाई पे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, तो आप अपनी साइट पर 2 से 3 आर्टिकल और डाल सकते हो और उसके बाद आप अपनी साइट को रीअप्लाई कर सकते हो गूगल एडसेंस के लिए एंड डेफिनेटली आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर आप इन सभी स्टेप्स को दिए गए प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करोगे, तो आपको डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि एडसेंस का अप्रूवल लेना फर्स्ट स्टेप है ब्लॉगिंग में आने का, बट ऐसा नहीं है। एडसेंस का अप्रूवल लेने से पहले भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एडसेंस का अप्रूवल मिलने के बाद सबको पता चलता है कि भाई एडसेंस का अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है। अर्निंग करना एक अलग गेम है, एडसेंस का अप्रूवल लेना एक अलग प्रोसीजर है। ऑनलाइन मनी अर्न करने की जो गेम है, ये बहुत ज्यादा पेशेंस की, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम लोगों की यही रहती है कि उनने आज अपनी साइट बनाई, आज ही उन्हें एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, आज ही 10 लाख का ट्रैफिक चाहिए और आज ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बहुत ही तसल्ली से काम करना पड़ेगा। जितना टाइम किसी प्रोसेस में लगना है उतना तो लगेगा ही, किस्मत ज्यादा बेकार रही तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप इत्मीनान से बैठे रहो, अपना काम करते रहो, जो गूगल का प्रोसेस है वो चलता रहेगा, गूगल आपकी साइट को धीरे धीरे अप्रूवल देना भी स्टार्ट कर देगा और आपकी साइट्स को रैंक करना भी स्टार्ट कर देगा। बस आपको पेशेंस रखना है, अगर आप पेशेंस रख के काम करते जाओगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और एक और चीज, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, भाई कॉपी पेस्ट कर लेंगे कहीं से कंटेंट डायरेक्टली, कुछ भी एडिट नहीं करेंगे और फिर मुझे मेल
करेंगे कि सर मैंने ऐसे किया, मुझे नहीं मिल रहा है अप्रूवल, अब मैं क्या करूं। तो भाई अगर आप मेरे दिए हुए प्रोसीजर को छोड़ के किसी और प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो उस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं अगर आपको अप्रूवल मिले ना मिले। अगर आप मेरे दिए हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। एंड ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसे मैंने कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ के या वैसे नहीं मैं बोल रहा हूं, ये चीजें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। अगर मैं वीडियो में बोल रहा हूं कि आपको यूनिक आर्टिकल्स खुद लिखने हैं, हाथों से टाइप करने हैं, कहीं से वर्ड्स कॉपी नहीं करने, तो उसका मतलब यही है कि आपको यूनिक आर्टिकल खुद लिखना है। 1200 वर्ड का अगर मैं बोल रहा हूं तो भाई 1200 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, कहीं से एक लाइन कॉपी नहीं, दो लाइन कॉपी नहीं। एडसेंस का अप्रूवल अगर आपको चाहिए तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एंड इसके बिना अगर आपके पास कोई और प्रोसीजर है तो भाई आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो ताकि हमारी ऑडियंस को और ज्यादा हेल्प मिले। ये प्रोसीजर 2020 में डेफिनेटली वर्क करेगा क्योंकि पिछले 5 साल से वर्क कर रहा है, तो इस साल भी करेगा। आप भी इस प्रोसीजर को फॉलो करें एंड अपना पहला एडसेंस अप्रूवल लें। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो स्पेशली लिरिक्स वेबसाइट के उन बंदों के लिए जिनने हमारी पिछली वीडियोस में कमेंट करके बोला है कि सर मुझे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अगर आप इस टेक्निक को यूज करने वाले हो अपना एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना यस सर आई विल यूज दिस, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग मेरे इस मेथड को यूज करने वाले हैं एंड मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियोस लेके आता रहूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अपनी कोई भी थॉट हो, क्वेरी हो, दिक्कत आ रही जिंदगी में, भाई से बात करनी है, कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखना, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। चैनल पर नए हो, पहली बार ये शक्ल देख रहे हो, तो भाई उस रेड सब्सक्राइब के बटन पे उंगली मारो या पंजा, मुझे नहीं पता लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि 29 फेब से पहले 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ये टारगेट मैंने आपको दिया है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड मैं आपको सपोर्ट करूंगा ऐसा ही क्वालिटी कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके अपने इस चैनल पर, ताकि आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो सके। बाकी बिहाइंड द सीन्स या फिर हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। आप सर्च कर सकते हैं webbeastyt या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। हम टाइम टाइम पर अपने इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस भी करते हैं जहां पे मैं आपकी क्वेरीज का जवाब देता हूं। बहुत सारे लोग हमारी लाइव सेशन में हमसे क्वेश्चन पूछ के अपनी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग, एडसेंस अप्रूवल्स एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आप भी हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन का पार्ट बने। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।